सीसीटीवी से नकल रोकने की कवायद, नकल मंडी के नाम से मशहूर था कौशाम्बी। कौशाम्बी जनपद में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन होंगे, जो जिला मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में देखे जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से सभी केंद्र की निगरानी के लिए आधा दर्जन कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इनकी निगाह कंप्यूटर पर लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा डीएम समेत अन्य अधिकारी समय समय पर कंट्रोल रूम पहुंचकर केंद्र के किसी भी कमरे में जूम करके देख सकते हैं। इसके लिए सभी केंद्रों को परीक्षा के दौरान सीसीटीवी और राउटर इंटरनेट कनेक्ट करने वाला डिवाइस चालू रखना होगा। जिले के 77 स्कूलों को हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर 18 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। इस बार की परीक्षा में करीब 45,000 छात्र छात्रा शामिल हो रहे हैं। इसमें हाई स्कूल में 13,957 बालक और 11,124 बालिका व इंटरमीडिएट में 10,876 बालक और 9,049 बालिका परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र पर कंट्रोल रूम तीसरी आंख से नजर बनाए रखेगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 6 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो 24 घंटे स्कूलों पर निगाह बनाए रखेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। इस कंप्यूटर पर कम से कम 12 स्कूलों को एक साथ देखा जा सकता है। इसके साथ ही स्कूल के हर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे से वहां क्या हो रहा है उसे भी देख सकते हैं। कैमरों की क्षमता इतनी बेहतर है कि कम लाइट होने पर भी यह काम करते रहेंगे। इसके साथ ही जूम करने पर किसी भी छात्र छात्रा की कॉपी तक देखी जा सकती है। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरे जिले को 3 जोन 16 सेक्टर में बांटा गया है। हर परीक्षा केंद्र में एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सर, नकल विहीन परीक्षा इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? इस बार जो 2020 की बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं, इसके लिए सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की व्यवस्था तो पिछले 2 सालों से पूरे प्रदेश में, साथ साथ हमारे जनपद में भी है। इस बार नई व्यवस्था के तहत सभी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको ऑनलाइन जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम से और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है, और हमारे जनपद के सभी 77 जो परीक्षा केंद्र हैं वो इससे सफलतापूर्वक जोड़ दिए गए हैं। सर, क्या वॉइस रिकॉर्डर भी है सीसीटीवी का? हाँ, वॉइस रिकॉर्डर की भी व्यवस्था है सीसीटीवी कैमरों के साथ। इस बार कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे और इसके लिए तैयारियां कितने हद तक पूरी? बोर्ड परीक्षा में अब की 45,006 परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटर को मिलाकर सम्मिलित हो रहे हैं, और तैयारी के तौर पे हमारे सभी सेंटरों पर जो है वो उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, और परीक्षा शुरू होने से 3 से 4 दिन पूर्व हम प्रश्न पत्र की भी उपलब्धता करा देंगे। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जा चुकी है जिला अधिकारी के महोदय के स्तर से, और हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि इस बार जो परीक्षा है वो नकलविहीन और सुचितापूर्ण कराने में सफल होंगे।